हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है वो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। एक 4 मार्क्स का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। दो मिडिल मोस्ट टर्म आएंगी, क्वेश्चन में लिखा है वाली बात कि टू मिडिल मोस्ट टर्म, लेकिन आपको उन दोनों टर्म्स का सम चाहिए। अब सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए कि आपकी सीरीज में कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं। अब ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा कि टर्म्स कितनी हैं, तो ध्यान रखिएगा पहला कंसेप्ट यही है कि आपको ये पता करना है मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए कि कुल कितनी सारी टर्म्स हैं आपके सीरीज में। तो उसके लिए क्या करें भाई, आपको सीरीज दी है तो पक्की बात फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है। उस लास्ट टर्म के फॉर्मूले से पहले नंबर ऑफ टर्म्स n निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर माइनस का 4/3, यहां माइनस का 1, यहां माइनस का 2/3, (3, 4, 12, 1, 13) ये आ गया 13/3। अब सीरीज में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, छोटे a से, ये हो गया माइनस का 4/3। फिर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं छोटे d से। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, किसी भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करके, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, फर्क नहीं पड़ता, किसी को किससे भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूं, तो माइनस वन में से माइनस किया जाएगा माइनस का 4/3, तो कितना आएगा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस 4/3, एलसीएम लीजिए 3 एलसीएम आ गया। तो 1 3 3 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर प्लस 3 1 3 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो -3 + 4/3, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस आया 1/3। ध्यान रखिएगा एलसीएम लेने का तरीका जो आपको आता हो वैसे सॉल्व कर लेना। मेरा मेन मकसद फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना था। लास्ट टर्म तो किसी सीरीज की आखिरी टर्म होती है, तो वो डायरेक्टली दी हुई है, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब क्योंकि मेन एम तो अभी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो यहां पर ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, एन टर्म का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी, जो कि दिया हुआ है 13/3। ए निकाल चुका हूं पुट करते हैं, डी निकाल चुका हूं पुट करते हैं, पक्की बात है एन का वैल्यू निकल आएगा, तो चलो इंसर्ट करते हैं। तो ए मुझे दिया हुआ है माइनस का 4/3, एन को मुझे फाइंड ही करना है, और डी का वैल्यू मैंने अभी निकाला था 1/3, That is equal to 13/3। ये कितना हो गया? Minus का 4/3 plus n minus 1/3 is equal to 13/3। Base same हो गया, तो फिर तो LCM लेना बड़ा आसान है। 3 आ जाएगा सीधा, और ऊपर का numerator directly add हो जाएगा, is equal to 13/3। 3 से 3 cancel हो गया, तो हो गया minus का 5 plus का n is equal to 13। अब minus 5 को उधर ले जाओ, तो n is equal to 13 plus 5। और ये आ गया आपके पास 18। अब जैसे पता चला कि n की वैल्यू तो इवन आ गई, तो अगर n की वैल्यू इवन है तो गारंटीड है यहां पर दो मिडिल टर्म्स आएंगी। और फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूं कि इफ n इज इवन तो मिडिल टर्म कैसे निकाली जाएगी, या मिडिल टर्म वाली दो टर्म्स कौन सी होंगी, n by 2th और n by 2 plus 1th। मतलब n 18 है ना, तो 18/2, what is 18/2, 18/2 is 9th term, तो 18/2 is 9 plus 1, 10th term, और हमसे कह रहा है ये जो दोनों टर्म आएंगी उसका सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 9th term निकालो, फॉर्मूला तो a9, फॉर्मूला तो यही है a plus n minus 1d, a plus n की जगह 9, n की जगह 9, तो 9 minus 1 8d, भाई पता तो अपने को a भी है, माइनस का 4/3 प्लस 8 इंटू डी, पता डी भी है, तो चलो कितना आ गया, तो माइनस का 4/3 प्लस का 8/3, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस तो एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए, और ऊपर वाला न्यूमरेटर भी एज इट इज कॉपी, तो चेक करो कितना आ गया, आपके पास आ गया 4/3। कहने का मतलब है जो 9 टर्म आई वो आई 4/3। तो 10 टर्म निकालते हैं, 10 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1d, 10 माइनस 1 इज 9, a और d की वैल्यू से पुट करिए, तो a है अपने पास माइनस का 4/3 प्लस 9 इनटू d का वैल्यू 1/3,
ये हो गया माइनस का 4/3 + 9/3, फिर से एलसीएम लीजिए 3 एलसीएम आ गया, ये हो गया -4 + 9 दैट इज इक्वल टू 5/3, 9 टर्म आ गई 4/3, 10 टर्म आ गई 5/3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई हमें इन दोनों टर्म्स का सम चाहिए, तो भाई सम निकाल देते हैं, तो 9 टर्म का सम, तो 9 टर्म आ रही है 4/3, 10 टर्म आ रही है 5/3, जो कि कितनी हो गई, देखो फिर एलसीएम ले लेते हैं, बेस फिर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, तो ऊपर का न्यूमरेटर भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये हो गया 9/3 दैट इज इक्वल टू 3। तो पता चला इस पर्टिकुलर सीरीज में क्योंकि n आपका इवन था जो कि आया 18, जिसकी वजह से दो मिडिल टर्म आपकी कौन कौन सी आई, 9th टर्म और 10th टर्म, 9th टर्म आई 4/3, 10th टर्म आई 5/3, और हमसे क्वेश्चन में उन दोनों टर्म्स का मांगा है सम, मैंने सम कर दिया और आंसर आ गया 3। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, क्लास 10 के तकरीबन सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, जाकर उन्हें चेक कर। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।